वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और दोस्तों, ये जो वीडियो आज मैं लेके आया हूँ, आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड मतलब बिगनर्स के लिए वो एक तरीके की गाइड थी, तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ करा था, रोबो एडवाइज़र। अब आप लोग अगर रोबो एडवाइज़र्स के बारे में जानना चाहते हैं तो देखो, इंडिया में रोबो एडवाइज़र वर्ड इतना फेमस नहीं है, या फिर वही लोग इसके बारे में जानते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का या कैपिटल मार्केट का। बट ये जो वर्ड यूज़ हुआ, यानी कि जब पहली बार मार्केट में आया, वो थी 2008 में, जब स्लो डाउन आया था इकोनॉमी में ग्लोबली, तो उस टाइम पर ये वर्ड काफ़ी यूज़ हुआ। और उस टाइम से लेके आज तक ये जो रोबो एडवाइज़र्स है काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में इनका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब जो रोबो एडवाइज़र्स होते हैं, जैसे अगर हम इस वर्ड को ही अलग अलग करें, रोबो एडवाइज़र, तो रोबो एडवाइज़र्स का काम मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जैसे लैपटॉप है। लैपटॉप में अगर आप एक्सेल फाइल खोलते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूला पुट करते हैं, तभी वो आपको एक आपके हिसाब से मतलब जो आपने फॉर्मूला पुट किया उसके हिसाब से आपको आंसर दे देता है। वैसे ही ये एडवाइज़र होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन और उसमें जो कंडीशन बेस कुछ ना कुछ उसमें ऐसी गाइडलाइंस पुट करी हुई हैं, जिसके बेसिस पे जब भी आप अपना कुछ रिक्वायरमेंट या अपना कोई गोल डालेंगे उसके अंदर, उस गोल के बेसिस पे क्या आपके लिए बेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट रिजल्ट हो सकता है, या क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स या बेस्ट जो मतलब फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं क्या हो सकते हैं, वो ये आपको बता देते हैं। ठीक है, अब जो रोबो एडवाइज़र्स होते हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर एडवाइस लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक होगा। अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड मार्केट से रिलेटेड कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप जो मतलब इंश्योरेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो काफ़ी फेमस है इंडिया में, अगर आप उससे रिलेटेड एडवाइजेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस पुट की गई हैं। ठीक है, तो तीनों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडवाइजेस प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो इंडिया में रोबो एडवाइज़र जो है वो काफ़ी मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अब लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो अगर आप कंपनीज़ में ह्यूमन सर्विसेज को आप लेते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि भाई कंपनी में आप कॉल करेंगे 10 से 6 का टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पे आप सर्विसेज ले पाएंगे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये 24/7 एक्सेसिबल होता है, यानी कि आप जब मर्जी रात को सो के उठो, सुबह को जागो, जब मर्जी आप लोग चाहें एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें एडवाइजेज आपको मिलेंगी वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या किसी स्पेसिफिक मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस उसमें पुट की गई हैं उसके बेसिस पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये आपकी रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक मैच कर जाए, क्योंकि जब कंपनीज़ अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं तो उसमें ज़्यादातर एरियाज़ को ये उसमें मतलब मान लीजिए उसमें डेवलप करके चलती हैं, उसमें इंक्लूड करके चलती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आपकी एडवाइजेस प्रोवाइड की जाती हैं। अब जो इसका अगर हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइन की बात करें तो इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं 0.1% भी अगर हम मान लें, ह्यूमन एरर हो ही सकता है, क्योंकि भाई आदमी हैं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। बट जो रोबोट है उसमें आपने जो गाइडलाइंस पुट करी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस पुट करे हैं, उसके बेसिस पे हमेशा आपको वही आंसर देगा जो उस गाइडलाइंस में फिट बैठ रहा होगा या उन इंस्ट्रक्शंस में फिट बैठ रहा होगा। ठीक है, उसमें एरर होने के चांसेस बहुत मिनिमलिस्टिक होता है। ठीक है, अगर आप बात करें तो इसके जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी वास्ट फंक्शंस होते हैं और मल्टीपल टाइम्स होते हैं, यानी कि एक आदमी अगर एक डिसीजन मेकिंग पे जा रहा है तो वो 10 चीज़ों को कंसिडर करके एक डिसीजन मेकिंग बनाएगा और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इसमें 10 के 10 इंस्ट्रक्शंस एक साथ डाल दी गई हैं, अब ये उनको विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट करेगा और आपको तुरंत की तुरंत एडवाइस आपको दे देगा कि आपके हिसाब से कौन सा फंड, कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्योंकि कोई ह्यूमन मतलब किसी आदमी के थ्रू ये सर्विस नहीं दी जा रही है, तो इसमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का पुट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत चेंज होता रहता है डे टू डे बेसिस पे। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट में जो मतलब डिमांड है या बुलिश या बेयरिश जो ट्रेंड चलता रहता है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है मार्केट। अब अगर उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस पुट नहीं करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा, हो सकता है वो काफ़ी पीछे से मतलब मान लो एक हफ्ते तक किसी ने अपडेट नहीं करा। ठीक है, अब वो आपको टाइम पीरियड उस एक हफ्ते पुराने टाइम पीरियड के हिसाब से आपको एडवाइस प्रोवाइड करेगा। अब लेकिन आपको तो चाहिए कि आप आज का मार्केट क्या है उसके हिसाब से आपको एडवाइस चाहिए,
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कंपनियाँ जो हैं इसको रेगुलरली अपडेट करती रहती हैं मार्केट के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि इसमें एडवाइस जो है वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं इसके, कुछ इनबिल्ट गाइडलाइंस होती हैं उसके थ्रू आती है जितनी भी एडवाइसेज आती हैं। अब जो इनबिल्ट एडवाइसेज या इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अगर चेंज ना किया जाए तो आपको जो मिलने वाला जो इनपुट है या आउटपुट है वो आपका एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। या फिर मान लीजिए हम 10 लोगों का ग्रुप है, अब 10 लोगों की अगर 90% रिक्वायरमेंट सेम है और 10% ही चेंज है, तो ये उन 10 के 10 लोगों को सेम एडवाइस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है ये। अब कहते हैं कि इंडिया में जो रोबो एडवाइज़र्स हैं वो मतलब डेवलप्ड है भी अच्छे से या नहीं है, तो देखो इंडिया में बहुत जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं, जनरली जो फुल सर्विस देने वाले जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके पास रोबो एडवाइज़र्स हैं, उनके खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कहते हैं कि भाई किस तरह का इन्वेस्टर इनको यूज़ करे। देखिए एक जनरल सी चीज़ है, अगर आप लोग 5 या 7 साल 10 साल से काम कर रहे हैं मार्केट में तो आपको एक्सपीरियंस भी है, आपके पास नॉलेज भी है, तो आप खुद से एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना काम कर चुके हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नया एडवाइज़र, जो मतलब नया इन्वेस्टर है मार्केट में, उसको एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको डर भी होता है कहीं ना कहीं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, उसमें मैं डूब ना जाऊँ, तो उनको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो रोबो एडवाइज़र्स जो जनरली न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अब जो इसमें कुछ मैं नाम बता देता हूँ जो रोबो एडवाइज़र्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, जैसे कि फंड्स इंडिया, ये मतलब इंडिया में टॉप पर है। स्क्रिप्ट बॉक्स, इसका ऐप शायद आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। गोल वाइज और एडी एडवाइस श्योर, ठीक है। आर्थ यंत्रा, बोडिक्स और फाइव सेंस, इन्वेस्टा और फाइव पैसा और एंजल ब्रोकिंग, ये कुछ मतलब 10 नाम मैंने आपको बताए हैं और बाकी आप साइड में देख सकते हैं वो 10 के 10 नाम। तो ये कुछ रोबो एडवाइज़र्स हैं इंडिया में, जो मतलब कंपनीज हैं जो रोबो एडवाइज़र्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।